टैली क्लास पांच में आज बताएंगे अकाउंट ग्रुप पार्ट टू। आज से क्लास चलेगा आप लोग क्या अकाउंट ग्रुप पार्ट टू में। इससे पिछले वाला जितना भी यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, अकाउंट ग्रुप पार्ट टू, जिसमें पार्ट टू में यहाँ से चलेगा हमारा क्या, करेंट एसेट। जैसे कि पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि हमारा अकाउंट ग्रुप क्या होता है। अकाउंट ग्रुप में जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो लेजर क्रिएट करना पड़ता है, और लेजर क्रिएट करने से पहले आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है। और जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो कोई भी लेजर किसी न किसी एक ग्रुप में रखना पड़ता है। जिस टाइप का हमारा लेजर आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में रखते हैं। इससे पहले वाले में आप लोग को क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट के बारे में बता दिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, करेंट एसेट। करेंट एसेट एक हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत हमारे छठे ग्रुप आएगा आपका क्या, पहला है हमारा क्या बैंक अकाउंट, दूसरा है हमारा क्या कैश अकाउंट, इसके बाद है स्टॉक इन हैंड, नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस, इसके बाद डिपॉजिट एसेट और संडी डेटर। तो चलते हैं इसको वन बाय वन समझते हैं कि क्या बैंक अकाउंट क्या होता है। यहाँ से बैंक अकाउंट का मीन्स होता है कि जब भी ट्रांजेक्शन में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोलने की बात होता है। जैसे आ गया कि यूबीआई में हम 5000 डिपॉजिट किए, तो जिस बैंक में हम लोग पैसा जमा करेंगे सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में, तो उस बैंक के नाम से बनेगा खाता, वह किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। जिस भी बैंक में हम लोग पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे या निकालेंगे, तो उस बैंक के नाम से बनने वाला खाता किस ग्रुप में जाएगा, आप लोगों का बैंक अकाउंट में जाएगा। ये ध्यान देना है, यदि उस बैंक से लोन लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बैंक का नाम आ गया तो हम बैंक अकाउंट में रख देंगे। ये ध्यान देना है कि आपको उस बैंक में सेमी अकाउंट या करेंट अकाउंट खोला गया है, और उसमें जब पैसा निकालने या जमा करने की बात होगा तो उसके नाम से बनने वाला खाता किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। यदि उस बैंक से अगर लोन लिया जाता है तो बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, आगे हम ग्रुप में बताएंगे क्या, वो सिक्योर लोन में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट के बाद क्या है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे टैली में एक बने बनाया खाता आता है क्या, कैश अकाउंट। टैली में हम लोग दो खाता क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता है, एक कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दोनों अकाउंट पहले से ही बने बनाए आता है। कैश अकाउंट हमारा किसके अंतर्गत ग्रुप में बनकर आता है, कैश इन हैंड में आता है। ये आपको खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होता, ये खुद बनकर टैली में हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा क्या स्टॉक इन हैंड। जैसा कि पिछले क्लास में आपको टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में आप लोग को बता दिए थे कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब यही होता है कि वर्तमान में बिजनेस में वर्तमान में उपलब्ध गुड्स को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। इसमें है कि जब भी हम लोग स्टॉक संबंधित कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, तो स्टॉक इन हैंड में आता है। यहाँ पर आया है कि कंपनी के ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक को, तो पिछले वाला क्लास में भी बताए थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मीन्स ये होता है कि जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्टिंग होता है आपका, वो 1 अप्रैल से लेकर क्या होता है 31 मार्च। जैसे हमारा कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद हमारा 31 मार्च को जो भी हमारा सामान लास्ट जो डेट है ईयर का फाइनेंशियल का, वही हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो 31 मार्च को जो भी सामान बच गया वही 1 अप्रैल को हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। यानी कंपनी के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करने के लिए किसमें हमारा आता है, स्टॉक इन हैंड ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है हमारा क्या लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस का मीन्स होता है कि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, तो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉई को सैलरी के अलावा एडवांस पैसा देता है,
तो जिस इम्प्लाई को वो पैसा दे रहा है कंपनी, उस इम्प्लाई के नाम से बनेगा खाता। वह इम्प्लाई किस ग्रुप में जाएगा? लोन एंड एडवांस ग्रुप में जाएगा। यदि कंपनी द्वारा किसी को लोन दिया जाता है या कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा एडवांस पैसा देता है, तो उस कर्मचारी के नाम से बनने वाला किस ग्रुप में जाएगा? लोन एंड एडवांस ग्रुप में जाएगा। आप लोग जो भी यहाँ पर अकाउंट ग्रुप पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत काम का है। जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो उसमें आएगा आपका ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा लोन एंड एडवांस में क्या? डिपोजिट एसेस्ट है हमारा। क्या है? डिपोजिट एसेस्ट। डिपोजिट एसेस्ट का मतलब होता है कि यदि कंपनी के द्वारा किसी बैंक में खाता फिक्स्ड किया जाता है या कंपनी अस्थायी संपत्ति करने खरीदने के लिए कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर देती है, तो इनका खाता किस ग्रुप में बनेगा? इस ग्रुप में बनेगा। ये डिपोजिट एसेस्ट का मतलब क्लियर हो जाइए। डिपोजिट एसेस्ट का मतलब आप लोग देखते होंगे कि कहीं हम लोग रेंट पर जब कुछ भी हम लोग लेते हैं तो कुछ पैसा सिक्योरिटी के तौर पर पैसा हमको जमा करना पड़ता है, मतलब वो एक टाइप का अस्थाई संपत्ति होता है। कुछ दिन के लिए हम लोग रेंट लेते हैं तो एक टाइप को हमारे लिए क्या हो गया? अस्थाई संपत्ति। लेकिन उसके लिए हमको कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर जिसको भी हम लोग देते हैं, तो जिस कंपनी को या जिस मालिक को देंगे हम, उसके नाम से बनेगा खाता, वो किस ग्रुप में जाएगा? डिपोजिट एसेस्ट ग्रुप में हमारा जाएगा। जब भी खाता बनाएंगे, जिसको भी हम डिपोजिट कर रहे हैं, उनके नाम से बनेगा एक खाता, यानी एक लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, उसको किस ग्रुप पे हम लोग रखेंगे? डिपोजिट एसेस्ट ग्रुप पे आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? संडी डेटर। संडी डेटर क्या होता है कि जब ही भी हम किसी भी ग्राहक को उधार पर गुड्स बेचते हैं, किसी भी ग्राहक को उधार पर गुड्स बेचते हैं, तो जिसको भी हम उधार पर बेच रहे हैं, भाई जिस ग्राहक को हम उधार पर सामान बेचेंगे तो उसका नाम नोट किया जाता है। वैसे भी अगर कॉपी पर मेंशन करते हैं तो लिख देते हैं कि फलाना इतने रुपये का उधार सामान ले गए हैं। यहाँ फलाना से नहीं मतलब है, यहाँ पर हम लोग टैली पर जब काम करते हैं तो जिस ग्राहक, जो भी ग्राहक हमारा उधार पर ले जाएगा, उनके नाम से एक खाता बनाएंगे। वो किस ग्रुप में रखेंगे हम लोग? संडी डेटर में रखना होगा आपको। किस में रखना होगा? संड्री डेटर में। यानी यदि कंपनी किसी भी ग्राहक को उधार पर गुड्स बेचती है और उस ग्राहक के नाम से बनने वाला खाता, या तो ग्राहक हो या कंपनी द्वारा किसी भी दूसरी पार्टी को किसी भी प्रकार की सर्विस दी जाती है या जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, तो उनके नाम से भी एक खाता बनेगा। सर्विस तो उधार ही देंगे, चाहे किसी भी प्रकार का दे रहे हैं हम, वो कभी ना कभी हमको पैसा देंगे, वो क्या होंगे? हमारे लिए देनदार होंगे। तो उनके नाम से बनने वाला खाता किसमें जाएगा? संडी डेटर में जाएगा। फिर से सुन लीजिए, बेचते वक्त जिस ग्राहक को हम उधार पर सामान बेचेंगे, वह ग्राहक हमेशा क्या होगा? संडी डेटर होगा। ये सारा हमारा करेंट एसेट के अंतर्गत आता है। एक प्राइमरी ग्रुप, और प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत हमारा 6 सब ग्रुप था। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब यह होता है कि जो भी हम लोग क्या एक टाइप का स्वामी के प्रति जो भी हम लोग ऋण लेते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि एक साल के अंदर वो पैसा हम क्या कर दे? चुका दे। एक करेंट लाइबिलिटीज होता है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब जो एक साल से ज्यादा समय के लिए। यहाँ करेंट लाइबिलिटीज को प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत तीन खाता हमारा आता है। संडी क्रेडिटर आता है, नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नेक्स्ट है हमारा क्या? प्रोविजंस। अब आगे आते हैं इसमें, पहला जानते हैं संडी क्रेडिटर क्या होता है। संडी क्रेडिटर में हम लोग क्या सीखे कि जिस ग्राहक को उधार पर सामान बेचते हैं वह जाता है संडी डेटर में। यहाँ पर संडी क्रेडिटर का मतलब मीन्स होता है जिस सप्लायर से उधार पर सामान खरीदते हैं, भैया जिसके नाम जिससे हम उधार पर सामान खरीदेंगे, जिस भी पार्टी से खरीदेंगे,
उस पार्टी के नाम से बनेगा वो खाता क्रिएट करेंगे, वह खाता किस ग्रुप में जाएगा, सिंडिकेटन, क्योंकि जिससे हम उधार पर सामान लेकर आते हैं उनके नाम से बनाएंगे खाता, और वो किस ग्रुप में जाएंगे, सिंडिकेटर में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो भी हमारा व्यवसाय में सब जो भी हम आइटम बेचते हैं खरीदते हैं, तो उस आइटम पर हम लोग टैक्स देते हैं या लेते हैं, यानी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो इसमें CGST हो गया, CGST मीन्स होता है, GST का मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो 2016 के लास्ट इन तक भारत सरकार द्वारा ये पारित किया गया था, लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया गया था, और 1 जुलाई 2017 से ये पूरा हमारे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, इसमें भी टैक्स GST में भी तीन टाइप का है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद कुछ सेस होता है हमारा, इसके बाद TDS लगाते हैं। तो ये जो भी है हमारा किसी भी प्रकार का जो भी हमारा टैक्स होता है, यानी CGST SGST IGST सेस हो गया हमारा, इनके नाम से जब भी हम लोग खाता क्रिएट करेंगे तो किस ग्रुप में जाएगा हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स नियोजित करना होता है। देखिए, एक रिजर्व अकाउंट आया था, इससे पहले आप लोग को हम अकाउंट ग्रुप में बताए थे, अगर नई वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, अकाउंट ग्रुप पार्ट 1, उसमें देख लीजिएगा रिजर्व अकाउंट बताए थे। रिजर्व अकाउंट में क्या होता है कि पैसा को रिजर्व रख दिया गया, किसी प्रकार का हमारा कंपनी घाटा हो तो उस रिजर्व में से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन प्रोविजन मीन्स क्या होता है, एक एक्स प्रोविजन मीन्स होता है कि हमारा खर्च होना ही होना है, ये निश्चित है, भविष्य में भुगतान करने के लिए वो पैसा एक जगह खाता में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ऐसे सब को हम क्या कहते हैं, प्रोविजन। और जो रिजर्व अकाउंट होता है वो बात की बात होता है, खर्चा होगा और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोविजन में हमारा क्या होगा, एक खर्च होता है वो भविष्य के लिए, वो खर्चा नहीं होता है लेकिन पर खर्चा दिखा दिया जाता है। ऐसे सब अकाउंट को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रोविजन्स के अंतर्गत रखते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में आप लोगों को अकाउंट ग्रुप के बारे में बताए, इसके आगे वाले ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।